साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के इंतजार के बीच लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से राजनेता पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को लुभाने की। अब इस बीच उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 2019 में गठबंधन तोड़ दिया था और अब हालात ये हैं कि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाने से जब से इनकार किया गया उससे बाद से ही ठाकरे परेशान हैं। कभी कुछ प्लान करते हैं, कभी कुछ और प्लान करने लगते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पा रहे, एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं और सही से सोच तक नहीं पा रहे और इसी जल्दबाजी में एक बार फिर से फंस गए। पूरी बेइज्जती अपनी ही करा ली, यानी कि दोनों तरफ से पूरी तरह से फंस गए हैं। ना तो बीजेपी के रह पाए, ना ही महाविकास अघाड़ी में उनकी कुछ हो पा रहा है, बन पा रहा है। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरा चैनल बातचीत के लिए खोलने की कोशिश कर रहे थे और इस चैनल के जरिए बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में दाल नहीं गल रही है और हर दिन के हिसाब से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियां मजबूत हो रही है तो ठाकरे परेशान है, लिहाजा वो एक बार फिर से बीजेपी से बातचीत का चैनल खोल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ठाकरे की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, प्रभावशाली नेता के साथ बातचीत की गई, वो बीजेपी नेता, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी खासा दखल रखता है और आरएसएस के भी करीब है। खबर है कि बीजेपी के उसी नेता के जरिए यहां पर उद्धव ठाकरे ने बातचीत की और फिर बीजेपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन तलाशने की बात कही, यानी कि अंदर खाने ठाकरे एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार नजर आ रहे हैं, ऐसा लगातार सूत्रों का कहना और इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन यहां पर हुआ क्या वो देखिए, क्योंकि शिंदे गुट किसी भी हालत में अब ठाकरे गुट को बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए में, महायुति में बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी भी जानती है कि उद्धव ठाकरे को साथ लाने का मतलब है कि शिंदे गुट से नाराजगी मोल लेना और दोनों गुट एक साथ गठबंधन में रहें ये संभव नहीं है। तो ऐसे हालात में पहले तो उद्धव ठाकरे को सीधे कुछ कहा नहीं गया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को कहा गया कि वो इंतजार करें, उन्हें बताया जाएगा कि बातचीत कब हो सकती है या हो भी सकती है नहीं हो सकती। जी हाँ, अभी तो सिर्फ बातचीत का मामला था, गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो बातचीत के बाद ही तय होता। अब उद्धव ठाकरे से कहां इंतजार होता, क्योंकि वो हर रोज परेशान हो रहे हैं क्योंकि हर बाहर से भले कुछ भी कह रहे हैं लेकिन अंदर खाने सीएम बनने के लिए, सीएम पद के लिए उनके लिए बेहद ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए सीएम पद हो चुका है, जिस पर सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि उन्होंने दोबारा उसी नेता को अप्रोच किया और कहा कि इस पर जल्दी बात करें, चुनाव की तारीखें कभी भी आ सकती हैं। अब खबर है कि यहीं पर उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी को बुरी बेइज्जती झेलने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी की तरफ से ठाकरे को उनकी पार्टी को कहा गया कि अगर इंतजार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं होगी और आगे बात भी नहीं होगी, और अगर बात होती है तो हमारी शर्तों पर होगी, हमारे हिसाब से होगी, हमारे समय पर होगी, क्योंकि आप हमारे पास आए, हम आपके पास नहीं गए। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि बात भी लीक हो गई। जी हाँ, जहाँ से भी हुई लेकिन ये बात लीक हो गई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के नेता पास गई थी और वहाँ उन्हें टक्का सा जवाब मिला, उनको कोई भाव नहीं दिया गया। यानी कि एक तरह से जो ठाकरे महाविकास अघाड़ी से बगावत करना चाहते थे, बगावत तो कर नहीं पाए, लेकिन हाँ उनकी बगावत की बात खबर लीक हो गई और इससे ज्यादा और ज्यादा बवाल हो गया, क्योंकि अब खबर है कि इसके बाद महाविकास अघाड़ी के अंदर भी ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कांग्रेस और शरद पवार अब तक सख्त दिख रहे थे तो और ज्यादा सख्त हो सकते हैं, ठाकरे के लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हालात ये हो गए कि ना तो खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, यानी कि ना तो बीजेपी के पास हो पाए और ना ही महाविकास अघाड़ी में रह पाए। अब देखना ये होगा कि कैसे इस मामले को उद्धव ठाकरे हैंडल करते हैं, लेकिन हाँ उनकी कंडीशन और पोजिशन फिलहाल दोनों महाराष्ट्र में खराब नजर आ रही है। तो आपका उस पूरे मामले पर क्या कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल है और ये माहौल लगातार सियासी होता जा रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने हंगामा खड़ा कर दिया और इसकी वजह है संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच की नाराजगी। जी हाँ, कई दिन से लगातार खबरें आ रही कि राउत और ठाकरे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और इस पर पुख्ता मोहर भी लग चुकी है। संजय राउत को कई बार उद्धव ठाकरे फटकार चुके हैं, डांट चुके हैं, कई ऐसी हरकतें हुई हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जो कि उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई हैं, लेकिन फिर
भी लाख बार मना करने के बाद भी संजय राउत मान नहीं रहे, और माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों के बीच में दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये भी सच है कि उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत ही आंख कान नाक और हाथ पैर भी हमेशा हुआ करते थे, यानी कि ठाकरे का कोई भी काम होता था संजय राउत सबसे पहले आगे खड़े होते थे, वो चाहे राजनीतिक काम हो या फिर गैर राजनीतिक। तो ऐसे हालात में जब संजय राउत अलग थलग है, उद्धव ठाकरे ने खुद ही संजय राउत को अलग कर दिया और ठाकरे का साथ राउत भी नहीं दे रहे, तो उद्धव ठाकरे अंदर से बेहद परेशान है। और खबर है कि इसीलिए एक झटके में खुद को मुख्यमंत्री की रेस से अलग कर लिया। अहमदनगर में जनसभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया कि अब वो खुद मुख्यमंत्री की रेस में है ही नहीं, वो कभी भी रेस में नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने मंच से साफ साफ कहा कि वो कभी भी सत्ता की रेस में नहीं रहे, पहले भी मुख्यमंत्री की रेस में नहीं थे और वक्त और हालात ऐसे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा और कुछ लोग तब मेरे साथ थे। ठाकरे ने आगे कहा कि अब हालात अलग हैं और मैं सीएम की रेस से पूरी तरह से बाहर हूं, क्योंकि कोई भी पद मुझे ताकत नहीं दे सकता, मेरी ताकत जनता है और आप लोग हैं, और मेरे साथ आप हैं तो मुझे और किसी ताकत की जरूरत नहीं है। और यहीं पर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब को भी याद किया और कहा कि वो भी कभी सत्ता में नहीं रहे लेकिन वो हमेशा ताकतवर रहे और मैं भी उसी तरह का इंसान हूं। अब उद्धव ठाकरे ने यहां पर साफ साफ कहा कि कुछ लोग मेरे साथ थे लेकिन अब नहीं है, और ये इशारा शिंदे गुट के लिए तो बिल्कुल नहीं था। जी हां, शिंदे की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, क्योंकि ठाकरे ने तो शिंदे गुट को उनके लोगों को गद्दार तक कहकर संबोधित किया और उनको सिर्फ और सिर्फ गद्दारी के तौर पर याद किया, बल्कि यहाँ पर साथ नहीं होने से मतलब संजय राउत से ज्यादा, जो कि इन दिनों उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से नजर नहीं आ रहे। खबर है कि खुद को अकेला महसूस कर रहे उद्धव ठाकरे बेहद परेशान है और इसी वजह से इसी परेशानी में खुद को मुख्यमंत्री की रेस से अलग कर लिया और यहीं पर अपनी पार्टी के अंदर से तीन नाम भी तय कर लिए हैं। जी हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने तीन नाम अंदर खाने तय किए हैं कि अगर उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो इन तीन नामों पर विचार किया जाएगा और फाइनल इन्हीं तीनों नामों में से एक किया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक पहला नाम है अरविंद सावंत, जो कि लोकसभा में भी शिवसेना यूबीटी के नेता है, ठाकरे के बेहद करीबी है और उन पर उद्धव ठाकरे खासा भरोसा करते हैं, लिहाजा पहला नाम अरविंद सावंत का है। दूसरा नाम है अनिल देसाई। अनिल देसाई भी सांसद हैं, मुंबई साउथ सेंट्रल से सांसद चुने गए हैं और वो भी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं। तीसरे नाम खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं। ये बात वो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपना है, अगली पीढ़ी में फिलहाल आदित्य ठाकरे ही सबसे आगे हैं, तो इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को भी सीएम की रेस में शामिल कर लिया, यानी कि खुद कुल मिलाकर रेस से बाहर हो गए हैं। सीएम की रेस में खुद का नाम नहीं होने की बात कही है, लेकिन तीन नाम फिलहाल रेस में छोड़ दिए हैं, जिन पर खासा हंगामा चुनाव के बाद भी हो सकता है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के अगर विधायक कम चुने जाते हैं, अपने गठबंधन में सबसे छोटी पार्टी वो रहती है, तो फिर कांग्रेस और एनसीपी किसी भी हालत में शिवसेना यूबीटी के नेता को मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देंगे, और ये बात उद्धव ठाकरे भी अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है इसी से बचने के लिए, इसी बेइज्जती से दूर होने के लिए खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया हो। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।